कैसे प्रिपेयर कराएं बच्चों को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड मधुलिका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है, मैं एक्चुअली जो बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, छोटे बड़े सबके आ रहे हैं, उसी को लेके वीडियो लेके आई हूँ। और स्पेशली मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं। एक्चुअली उनका कहना है कि जैसे बच्चे आजकल क्या है, पढ़ाई करते हैं लेकिन जब स्कूल में जाते हैं एग्जामिनेशन रूम में तो भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वहाँ का पैटर्न इतना चेंज होता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, पढ़ा हुआ भी होता है लेकिन भूल जाते हैं वहाँ पे उसका आंसर क्या है। तो उसी को लेके जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, मैं वो बताना चाहती हूँ, शायद आप लोगों के लिए वो यूज़फुल हों। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि अब बस एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 2-3 दिन का टाइम है, तब हम कैसे करें वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। लेकिन आगे हम पहले और चीज़ें देख लेते हैं कि जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, पूरा एक साल का प्रोसेस होता है, जो हमारा पूरा एक सेशन होता है। उसके लिए जो चीज़ें मुझे ज़रूरी लगती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आई होप आप लोगों के बहुत काम आएंगी। सबसे पहली चीज़ है, जैसे मैंने बताया, लॉन्ग प्रोसेस होता है ये, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मैं सब पे धीरे धीरे करके आऊँगी। जैसे कि बात कर लेते हैं, हम एक एक करके ही ले लेते हैं सबको। जैसे कि हम लोगों के पास जो है सेशन स्टार्ट हो जाता है, PA1, PA2, PA3, PA4, Term 1, Term 2 आता है हम लोगों के पास। हमें पता होता है हमारे पास कितने महीने का टाइम है बच्चे को उतना कोर्स कंप्लीट कराने का। सबसे बड़ी चीज़ इसमें आती है सिलेबस। आजकल स्कूलों में बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, स्टार्टिंग में ही सिलेबस प्रोवाइड हो जाता है, एक छोटी सी बुकलेट मिल जाती है कि बच्चे का सिलेबस क्या है, कौन से एग्ज़ाम में कितना तक आएगा, कौन कौन से लेसन्स आएंगे, क्या क्या चीज़ें करा दी जाएंगी, अगर अपोजिट लेटर्स हैं, अगर अपोजिट वर्ड्स हैं, या फिर काउंटिंग है, कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग आने वाली है, प्लस माइनस कैसे आने वाले हैं, सब उस सिलेबस में होता है। तो अगर हम पहले से ही बच्चे को तैयार करना स्टार्ट करें, ये कह रही हूँ स्कूल में तो वो पढ़ ही रहा है, लेकिन हमें उसे एक रेगुलर रीडर बनाना है, हमें रेगुलर स्टडीज़ में उसको डालना है ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे। उसको एक साथ ही हम एग्ज़ाम टाइम में ना बैठा दें कि भैया तुम्हें ये कोर्स है, ये तुम्हें चैप्टर्स लर्न करने हैं, करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में इसका ये चैप्टर आने वाला है, आप 2 दिन में कम्प्लीट कराइए उसके चैप्टर को, वो रीडिंग करेगा, जितना समझ में आएगा बताएगा आपको कि इसका ये मीनिंग है, जो नहीं आएगा वो हम उसे बताएंगे कि इसका ये मीनिंग है, जो चैप्टर पूरा उसका जो सारांश है वो उसको पास पहुंच जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर का ये मीनिंग है, इसमें ये चीज़ें हैं। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर्स की। अब क्या है, हमने बच्चे को पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर्स में हम उससे बोलेंगे, क्वेश्चन रीडिंग जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे को रीड करना आ गया, उसका मीनिंग समझना आ गया अगर, तो बच्चा कोई भी सवाल का आंसर दे सकता है, एटलीस्ट आइडिया लगा सकता है कि इसमें ये चीज़ पूछ रही है, भले वो पर्टिकुलर वही वर्डिंग्स ना बोले लेकिन उसको आंसर आता हुआ होगा, चाहे वन वर्ड में आता हुआ। तो इससे दूसरा फायदा क्या होगा कि अगर वो चीज़ स्कूल में नहीं पढ़ाई गई है तो जब स्कूल में पढ़ाई जाएगी, वो चैप्टर जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो उसको वहाँ रिविजन हो जाएगा। अगर वहाँ पढ़ा चुके हैं और हम पीछे चल रहे हैं तो उसका घर पर रिविजन हो जाएगा। तो 2-2 बार वो चीज़ें पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में बैठेगा, एक बार में भले ही नहीं बैठेगा, 2 बार में बैठेगा। और हमें क्या पता कोई चीज़ ढंग से स्कूल में इतने अच्छे से नहीं बताई गई जो हम उसे बता दें, जो चीज़ उसे नहीं आ रही हो वहाँ पर, तो उसकी यहाँ हेल्प हो जाती है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमें डेली कोशिश करनी चाहिए बच्चे को बैठाने की, ये नहीं कि 1-2 दिन में बैठा के हम उसे पूरा कोर्स कराएंगे। हमारा डेली का टाइम होना चाहिए कि अगर इतना खेलने का टाइम है तो उतना ही उसका 1 आवर का एटलीस्ट मिनिमम जो हम रख सकते हैं उसका एक फिक्स पढ़ने का टाइम हो, ताकि उसकी रीडिंग हैबिट बने, बैठने की हैबिट बने और वो पढ़े उस टाइम पर, भले आप उसे कुछ भी पढ़ाइए लेकिन डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अब क्वेश्चंस हमने उसको पढ़ाए, आंसर्स उसने पढ़ लिए, एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, हम कंप्यूटर्स का ले रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, बच्चे ने लर्न कर लिया, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन, हमने उसे ये चीज़ लर्न करा दी। लेकिन जब हम उसका रिविजन कराएंगे, रिविजन भी हमें कराना है घर पर, स्कूल में जो कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें घर पर रिविजन कराना है, तो जो वर्कशीट्स होती हैं हमें अपने घर में खुद ही वर्कशीट बना के रखनी है उसकी, कि आज हमने या कल हमने उसे ये पढ़ाया था, आज उसका एक रिवीजन पार्ट दे देते हैं, या हर 3-4 दिन में एक रिवीजन उसको दे दीजिए, या हर सैटरडे संडे एक रिवीजन दे दीजिए उसको, ताकि वो चीज़ें भूले नहीं। प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होती है, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें हमें याद रहेंगी, आएंगी, हम भूलते नहीं हैं उस चीज़ को। अब
जैसे है अ कंप्यूटर इज अ मशीन, तो हम इसको कैसे दे सकते हैं, या तो हम उसको सिंपल क्वेश्चन बना के दे सकते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर, या इसको हम फिलिंग द ब्लैंक्स में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल में उसको थोड़ा सा टैक्टफुल हो जाता है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसका जो मोड है. तो हम कह सकते हैं ना अ डैश इज अ मशीन या अ कंप्यूटर इज अ डैश. तो बच्चा फील करेगा वहाँ पे उसे लर्न कराया हुआ हमने. अगर उसे नहीं आएगा वो कहेगा मम्मी आपने तो मुझे ये क्वेश्चन कराया ही नहीं था, मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं ये वाला क्वेश्चन, ही तो मेरी कॉपी में ही नहीं है. तो हम उसे बताएंगे देखो बेटा यहाँ पे आपने ये पढ़ा था ना, ये आंसर में ये चीज थी, उसी को उन्होंने ऐसे पूछ लिया, तो इसका आंसर तो आपको आता है. क्या है इसका आंसर? मशीन. तो उसे समझ में आएगा अच्छा क्वेश्चन को ऐसे बनाया गया है. क्वेश्चन रीडिंग आपने उसको अगर कराई हुई है, आपने क्वेश्चन उसको पढ़ाया है अच्छे से, क्वेश्चन हमें पढ़ाना है कि बेटा आप रीड करो क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में. वो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नहीं बता पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके, स्लो प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे धीरे करके वो क्वेश्चन समझना स्टार्ट कर देगा. अब अगर ये ट्रू और फॉल्स में भी आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स में चेंज हो सकता है, ये मैच दी फॉलोइंग में चेंज हो सकता है. अ कंप्यूटर इज अ ह्यूमन, ठीक है, तो ट्रू या फॉल्स है, उसे पता होना चाहिए कि वो ट्रू या फॉल्स, क्योंकि उसे हम समझाया हुआ है, उसने समझा हुआ है उस चीज़ को, हम उसकी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, उसको पूछने का तरीका चेंज कर दे रहे हैं वर्कशीट्स में, ताकि वो प्रिपेयर हो जाए कि स्कूल में भी ये चीज़ें आ सकती हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, अब मैच दी फॉलोइंग में पूछ सकते हैं. कंप्यूटर ऊपर आ गया, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया मशीन, तो कंप्यूटर से मशीन को मैच कर देगा. तो ऐसे करके हमें क्वेश्चंस चेंज करने हैं, ऐसे करके हमें उसको मैथ्स में देना है, ऐसे हिंदी में देना है, समानार्थक शब्द हो गए, कई सारी चीज़ें आती हैं, वो आपके क्लास वाइज आती हैं, जो क्लास में कोर्स चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग. तो हमें आगे रहना है या साथ में चलना है स्कूल के, पीछे नहीं रहना है बहुत ज़्यादा. सिलेबस हो गया, वर्कशीट हो गई, हो गया रेगुलर, हो गया प्रैक्टिस. अब बात करते हैं प्रैक्टिस की. आपने देखा होगा बच्चों को जिसको कुछ भी नहीं आता, अगर हम उसको राइम्स लगा के दे देते हैं, तो वो राइम्स जो है कुछ दिनों बाद आप सुनेंगे ना, आप कुछ काम कर रहे होंगे तो आपको एकदम से सुनाई देगा कि अरे वो राइम पढ़ रहा है या गाना गा रहा है. कैसे? क्योंकि वो उसको इतनी बार सुनता है, उसको इतनी बार सुना चुके होते हैं कि उसको वो चीज़ खुद ब खुद याद हो जाती है. तो डेली अगर हम चीज़ों की प्रैक्टिस कराएंगे, ये नहीं कहती हूँ कि आप डेली मतलब उसको बस पढ़ाते रहिए प्रेशर कर देते रहिए, नहीं, हल्का हल्का करके उसको पूछते रहिए, अच्छा ठीक है पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना है उसको, उसको प्रेशर नहीं देना है किसी चीज़ का. पढ़ता रहेगा, एक बार पढ़ेगा, दो बार पढ़ेगा, तीन बार पढ़ेगा, धीरे धीरे करके उसको वो चीज़ बैठने लगेगी. यहाँ पे हम उससे पूछेंगे ना, तो उसको हिंट होगी उस चीज़ की कि इसका आंसर ये है, मुझे आता है. हो सकता है कहीं भूल रहा हो, लेकिन दो तीन बार और पढ़ेगा ना तो उसको पूरी तरह से याद हो जाएगा. तो प्रैक्टिस कराते रहना है, हर तीन चार दिन बाद उसको रिवाइज कराना है हमें. आपने 10 चीज़ें पढ़ाई हैं, 4 चीज़ें उसे रिवाइज करा दीजिए, कभी कोई सी 4, कभी कोई सी 4, 10 की 10 रिवाइज कराएंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो हल्का हल्का करके day 2, day 3 में कुछ ना कुछ उसे रिविजन देते रहिए, ओरली देते रहिए, पूछते रहिए, जा रहा है, आ रहा है, बैठा है, कुछ भी पूछ लिया आपने उसको बैठे बैठे, क्योंकि हमें पता है हमने उसे क्या पढ़ाया था घर पे, तो वो चीज़ें उसके माइंड में चलती रहेंगी. अब बात आती है जब एग्ज़ाम आ चुके हैं, अब क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं. उससे पहले भी ये चीज़ हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं बताने वाली हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ. अब जैसे हमने बच्चे को पढ़ाया, 2 ही चैप्टर होते हैं या 1 चैप्टर आता है जो उसका सिलेबस होता है पर्टिकुलर एग्ज़ाम का. अब हमने उसको पढ़ाया, हम उसे 4 या 5 बार बोलेंगे सिर्फ रीड करो, लर्न करने के लिए नहीं कह रहे हैं, रीड करने के लिए कह रहे हैं. 5 बार 6 बार पढ़ेगा, शाम को फिर बैठा दीजिए, पढ़ो बैठ के, वो फिर पढ़ेगा उसको. एक बार उसे बोलिए 2 बार कि देख के लिखो इस आंसर को, देख के लिखेगा, मीनिंग समझेगा उस चीज़ का, या हम उसे समझा देंगे. फिर उसके बाद उसको रिविजन करा रहे हैं हम इस चीज़ का, फिर हम उसे टेस्ट के रूप में देंगे कि चलो ठीक है अभी तुमने पढ़ लिया था ना, चलो इसको देखते हैं तुम्हें कितना याद रहता है. उसको हमने क्वेश्चन बना के दे दिए, वही ट्रिकी क्वेश्चंस बना के दे दिए, कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन और थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर दिया हमने क्वेश्चंस को. अब हमें इतने दिन में पता चल जाता है बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, उसको कौन सी स्पेलिंग वो हमेशा रॉन्ग कर रहा है, कौन सा एक आंसर है, 2 आंसर है जो वो नहीं याद कर पा रहा है, बाकी तो सब उसे याद हो गया. तो अब क्या होगा, हम उसे बीच में सुनेंगे भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुनेंगे, बीच में मन करता है सुन लीजिए कि चलो सुनाओ मुझे, तो सुनाएगा भी वो वहाँ पे. तो हम उसकी वीकनेस वहाँ पे पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे बड़ा वीक पड़ रहा है थोड़ा सा, तो वो पॉइंट हम नोट डाउन कर लेते हैं. मैं क्या करती हूँ, उस पर लिख देती हूँ, उसको बोलती हूँ पढ़ो, 3 बार 4 बार पढ़ता है, फिर थोड़ी देर बाद बोलती हूँ खेलने जा रहा, मैं कहती ठीक है खेलने जाना लेकिन ये पढ़ के जाओ पहले, पढ़ के चला जाता है. शाम को टीवी देखना है उसको, मैं कहती हूँ ठीक है पहले ये पढ़ो फिर बैठ जाओ टीवी देखने के लिए, वो ये पढ़ के टीवी देखने के लिए बैठ जाता है.
अब क्या होगा, एक दो दिन में उसे ये चीजें लर्न हो जाएंगी, क्योंकि वो कई बार पढ़ रहा है, मैं उससे पूछ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ उसे पढ़ा रही हूँ। दो तीन दिन बाद जब मैं उससे पूछूंगी ना, बेटा चलो इसको मैंने मिटो दिया, अब मैं उससे पूछूंगी बेटा इसका ये क्या था, पर्यायवाची समझ लीजिए, माँ है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, अब मैं उससे पूछूंगी बेटा माँ का क्या था, तो क्या वो इतना ज्यादा बार उसको पढ़ चुका होता है ना कि वो बोलेगा माँ का, माता जननी। बादल का क्या था, मेघ घन, उसको याद हो रही हैं चीजें, तो जो चीजें उसको नहीं याद हो पा रही थी वो हमने उसको ऐसे याद कर रही हैं, लिखा लिखा के, उसको पढ़ा पढ़ा के, बार बार हो गया लर्न उसको। अब बाकी जो था वो तो उसे लर्न हो ही रखा है, वो एक एक बार पढ़ेगा एक एक बार लिखेगा, उसको हो जाना है। जहां वो वीक पढ़ रहा है वो पॉइंट ढूंढने हैं मेन एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या आती है, बच्चे को प्रेशर में बिल्कुल नहीं लाना है कि आपको एग्जाम आने वाला है, आपको करना ही करना है। बहुत एडवांस चल रहा है आजकल सब कुछ, प्रेशर मत दीजिए, सिर्फ वो इजीली चीजों को समझ ले, सीख ले और बिल्कुल कूल माइंड से जाके पेपर करके आए। गलत भी करके आया है तो कोई बात नहीं, करने दीजिए, डांटने की जरूरत नहीं है उसको। फर्स्ट क्लास ही है अभी, छोटी क्लास है, LKG UKG है अभी, बहुत ज्यादा कोई उसे फर्स्ट सेकेंड नहीं आना है। हमें उसकी हैबिट्स चेंज करनी है, हमें उसकी हैबिट्स में लाना है पढ़ाई को, इंटरेस्ट जगाना है उसका पढ़ाई में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, अगर रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप मैंने जिनके लिए वीडियो बनाई उनके लिए भी ये यूजफुल रही हो, और आप इस चीज़ को अगर करेंगे फॉलो तो पक्का नेक्स्ट ईयर, या अभी अगर टाइम है तो आप अभी से अगर करना स्टार्ट करेंगे तो बच्चा बहुत अच्छा करेगा एग्जाम में। मैं ये नहीं कहती कि 10 की 10 चीज़ें लर्न हो जाएंगी, लेकिन 10 में से 5 से 6 चीज़ें वो लर्न कर पाएगा, अगर वो जीरो कर पा रहा है तो, अगर आप इससे चलेंगे तो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज। और जिसको आपको लगता है इसकी ज़रूरत है उसको मुझे पहुँचा दीजिएगा उसके पास तक। चलिए फिर मिलते हैं।